हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएलसी लर्निंग पॉइंट पर। फ्लोटिंग नंबर से रिलेटेड मैंने 5 से 6 वीडियो बनाए हुए हैं। बेसिकली जो इंटीजर वैल्यू होती है वो एक तरह से हॉल नंबर होता है, या कह सकते हैं एक तरह से वो कंप्लीट वैल्यू होती है। जैसे 3, 2, 1, 10, 100, 1000, 555, इस तरह से जो वैल्यू होती है कंप्लीट वैल्यू, उसको हम इंटीजर वैल्यू बोलते हैं। और जो फ्लोट वैल्यू होती है वो पॉइंट में होती है, जैसे 3, 2, 1.0, 1.09, 10.56, या जो भी पॉइंट वाली वैल्यू है उसको हम फ्लोट वैल्यू बोलते हैं। अब जो ये नॉर्मल मूव इंस्ट्रक्शन होता है, इससे यदि हमें किसी पॉइंट वाली वैल्यू को मूव करना है, किसी एक डाटा रजिस्टर से वैल्यू को दूसरे डाटा रजिस्टर के अंदर हमें मूव करना है, और यदि नॉर्मल मूव इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे तो पॉइंट वाली वैल्यू को हम मूव नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें डी मूव आर इंस्ट्रक्शन यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली जो डी मूव आर इंस्ट्रक्शन होता है ये फ्लोटिंग पॉइंट डाटा मूव करने के लिए होता है। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब पॉइंट वाली वैल्यू को इसके थ्रू हम मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, डी ई एड और डी एड आर ये भी फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन होते हैं। नॉर्मल जो एड इंस्ट्रक्शन होता है उसके थ्रू हम किसी भी पॉइंट वाली वैल्यू को एड नहीं कर सकते। एड मतलब प्लस करना, जोड़ना। देखिए, जो डी ई एड और डी एड आर इंस्ट्रक्शन है ये फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन के लिए इंस्ट्रक्शन है। किसी पॉइंट वाली वैल्यू को इस इंस्ट्रक्शन के साथ यूज करके हम एड कर सकते हैं। आगे देखिए, डी ई सब, डी ई एम यू एल, डी ई डी आई वी, ये 3 इंस्ट्रक्शन भी फ्लोटिंग पॉइंट सब्ट्रैक्शन, फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन और फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन के लिए रहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर 3 इंस्ट्रक्शन और है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए है। आगे देखिए, डी ई सी एम पी, जो फ्लोटिंग पॉइंट कंपेयर, एक नॉर्मल कंपेयर इंस्ट्रक्शन होता है। इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, कंपेयर इंस्ट्रक्शन क्या होता है, किस तरह से काम करता है। और एक डी ई सी एम पी इंस्ट्रक्शन के बारे में भी मैंने बताया हुआ है, फ्लोटिंग पॉइंट कंपेयर किस तरह से करता है। एक पॉइंट वाली वैल्यू को यदि हमें कंपेयर करना है तो उसके लिए हमें एक ये फ्लोटिंग पॉइंट कंपेयर इंस्ट्रक्शन यूज़ करना पड़ेगा। फ्लोटिंग जोन कंपेयर, एक नॉर्मल जोन कंपेयर होता है जेड सी पी, एक होता है फ्लोटिंग जोन कंपेयर डी ई जेड सी पी, ठीक है। तो ये जो फ्लोटिंग जोन कंपेयर होता है, जो हम जोन बनाते हैं उस जोन के अंदर हम पॉइंट वाली वैल्यू के साथ में कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें पीएलसी प्रोग्रामिंग में कई जगह पर फ्लोटिंग वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम कोई भी मल्टीप्लाई करवा रहे हैं या कोई भी डिवाइड करा रहे हैं, तो डिवाइड के बाद में कई सारे चांस होते हैं कि कोई वैल्यू पॉइंट के अंदर आए। और यदि हमने नॉर्मल इंस्ट्रक्शन यूज़ करे हैं, फ्लोटिंग इंस्ट्रक्शन यूज़ नहीं करे, तो पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। और जब पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, कंप्लीट वैल्यू का आंसर आएगा। जैसे 13.33 आंसर आना है, और यदि नॉर्मल वैल्यू आंसर आ रही है तो वहाँ पर 13 आएगा, 0.3 आंसर नहीं आएगा। और फिर यदि उसके साथ किसी और का मल्टीप्लाई करवा के कुछ सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे तो फिर आंसर पूरी तरह से गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई एक इनपुट है, जैसे कोई एक सेंसर है या कोई एक एनालॉग सिग्नल है, जो कि पॉइंट में आंसर नहीं देता है, एक कंप्लीट वैल्यू मतलब एक इंटीजर वैल्यू में एक इनपुट देता है। सेंसर किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे कोई डिस्टेंस मेजरिंग के लिए है या टेम्परेचर या फ्लो मेजरिंग करने के लिए है। वो यदि इंटीजर वैल्यू देता है और उसके साथ हम कोई एक कैलकुलेशन करवा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग किसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं या किसी फ्लो को, किसी वाल्व को यदि हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें उस इंटीजर वैल्यू को फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पीएलसी प्रोग्रामिंग में एक इंस्ट्रक्शन होता है जिसके थ्रू हम किसी भी नॉर्मल इंटीजर वैल्यू को एक फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद यदि हम कोई कैलकुलेशन करेंगे तो सारी कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएगी और सारी कैलकुलेशन सही भी रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं वो इंस्ट्रक्शन कौन सा है इंटीजर वैल्यू को फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट करता है। तो देखिए, हमारे पास कोई एक इनपुट है x0। फ्लोट इंस्ट्रक्शन के लिए नॉर्मली हमें लिखना है FLT फ्लोट, उसके बाद एक डाटा रजिस्टर है D0, इससे हम D10 के अंदर उस फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर करेंगे। अब D0 के अंदर एक इंटीजर वैल्यू है और यहाँ से जो कन्वर्ट होती है फ्लोटिंग में वो D10 के अंदर स्टोर हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए, इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करते हैं। ऑनलाइन मोड, एक बार इस प्रोग्राम को मैं रन कर देता हूँ।
एक मॉनिटर टेबल भी ऐड कर लेते हैं। इस पर हम लिखेंगे सबसे पहले एक D0, हमारे पास डाटा रजिस्टर है, और एक है D10, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले मैं इस X0 को ऑन करता हूँ। किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें उसको सबसे पहले एक इनपुट देना पड़ता है। हम चाहते तो यहाँ पर LDM1000 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए D0 के अंदर 0 है, ठीक है। मैं D0 के अंदर कोई वैल्यू चेंज करता हूँ, ठीक है। अभी ये 0 है, इसके अंदर मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ 10, ठीक है। हमारे पास एक किसी सेंसर से एक इनपुट आता है 10। तो देखिए इस 10 का फ्लोट यहाँ पर 0 है, लेकिन ये जो D10 है, इस D10 के अंदर फ्लोट वैल्यू 10.000 फ्लोट में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर यदि हम कोई भी वैल्यू डालते हैं, 15 डाला तो 15.000 हो गया, मतलब एक इंटीजर वैल्यू। यहाँ पे यदि मैं 100 डालता हूँ तो 100 का भी ये 0.00 आ जाता है। तो हम कोई भी इंटीजर वैल्यू यदि यहाँ पर डालते हैं तो वो वैल्यू पॉइंट में कन्वर्ट हो जाती है। अब यदि कोई वैल्यू इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट हो जाती है तो उस वैल्यू की कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाती है और आने वाला आंसर भी एग्जैक्ट होता है। सो दोस्तों, ये है एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन, फ्लोट इंस्ट्रक्शन, जो कि PLC प्रोग्रामिंग में हमें यूज़ करना पड़ जाता है। बेसिकली हमें ये यूज़ तभी करना पड़ता है जब हमारे पास कोई इनपुट है और वो इनपुट एक तरह से इंटीजर इनपुट देता है, तो वहाँ पर हमें फिर इंटीजर टू फ्लोट कन्वर्ट करने के लिए FLT इंस्ट्रक्शन यूज़ करना पड़ता है। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।